आज यानी 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया गया है। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने बुधवार यानी 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया। इस राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण पर फैसला सुनाने के विरोध में किया गया। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के अलावा कई दूसरे संगठनों ने भी इस बंद का समर्थन किया। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी बीएसपी ने भी इस बंद को अपना सपोर्ट दिया है। राजस्थान के एससी एसटी समूहों ने भी इस बंद को अपना समर्थन दिया। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत बंद के मद्देनजर पुलिस ने भी बड़ी तैयारी की है और सभी जिलों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, विरोध प्रदर्शन के दौरान किसी भी तरह का तनाव ना हो, इसके लिए पुलिस की तैनाती बढ़ाने के आदेश दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी आरक्षण में क्रिमिलेयर को लेकर के फैसला सुनाते हुए कहा था कि सभी एससी और एसटी जातियां और जनजातियां एक समान वर्ग नहीं है, कुछ जातियां अधिक पिछड़ी हो सकती है। कोर्ट ने कहा था कि जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है उन्हें आरक्षण में प्राथमिकता मिलना चाहिए। इस फैसले पर भारत बंद का ऐलान करने वाले संगठन इसे को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। बंद को लेकर के ग्वालियर चंबल अंचल में 2 अप्रैल 2018 को बड़ी हिंसा हुई थी। तोड़फोड़ आगजनी के साथ कई लोगों की जान भी चली गई थी। इस तरह की घटना दोबारा न हो इसीलिए पुलिस और प्रशासन ने पूरे अंचल को अपनी कड़ी निगरानी में ले लिया है। लेकिन किसी से भी जबरदस्ती संस्थान या दुकान बंद कराया गया या किसी प्रकार का दबाव दिए तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बंद के दौरान सभी जरूरी सेवाएं जारी रहेगा।